नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ पम्मी सिंह और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। लेकिन सबसे पहले नजर राज्य की खबरों की ओर। मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट श्री श्री सिद्धि विनायक मंदिर में आज गणेश चतुर्थी के सुबह मंदिर में भव्य आरती की गई। आरती में उमड़े श्रद्धालुओं की भीड़। भाटपाड़ा नगर पालिका के 13 नंबर वार्ड बरुईपुर इलाके में मोहम्मद खुर्शीद को उसके ही दोस्त मोहम्मद शाहबाज ने बुधवार की सुबह पेट में गोली मार दी, फिर वह इलाके से फरार हो गया। गंभीर अवस्था में मोहम्मद खुर्शीद को पहला भाटपाड़ा स्टेट जनरल अस्पताल ले जाया गया, फिर वहां से उसे कोलकाता के PG अस्पताल में रेफर किया गया है। किन कारणों से युवक को गोली मारी गई फिलहाल वह स्पष्ट नहीं है। घटनास्थल पर भाटपाड़ा थाने की पुलिस ने पहुंचकर छानबीन शुरू की है। माठ में रहा, वो लोग अपने में हंसी मजाक किया है और एक तो सोनू बोल के शहजाद नाम का लड़का है, वो यहाँ पे गोली मार दिया। गोली मार के अब भाग गए। कोई दुश्मनी उश्मनी नहीं था, बना रहे थे, खा रहे थे, बाहर में गए, क्या हुआ नहीं वो तो वही नहीं जानेंगे। बाहर का आदमी लोग आके बोला है उनका गोली लग गया। अच्छा, वो कहीं होंगे, दोस्त लोग साथ होंगे, अब कैसे बताए कहाँ थे नहीं थे। घर में हल्ला हुआ तो जाने के गोली लग गया। रात में वो दोस्तों ने पी खा के झगड़ा किया था, मेरा भाई और उसका दोस्त। भाई का नाम क्या है? अमित कुशीद। सोनू कौन गोली चलाया, किसका नाम? शहजाद। कहाँ रहता है? भाई बहन रहता है मरीज के पास। अच्छा, ना क्यों उसको गोली चलाया? कोई दुश्मनी था क्या? शायद होगा, तो मालूम उतना नहीं है, नहीं होगा। है झमेला हुआ था उसके साथ, बातें हुआ। तो अब चाहते क्या है? अब क्या, वो सिलेंडर दे अपना। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष द्वारा कलकत्ता कोर्ट में किए गए मानहानि के मामले में BJP नेता शुभेंदु अधिकारी को झटका लगा है। बांगशल कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए उन्हें अदालत में सशरीर उपस्थित रहने का आदेश दिया है। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार किए गए पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी की 28 दिनों की जेल हिरासत की अवधि बुधवार को समाप्त हो रही है और आज वर्चुअली उन्हें फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। बीरभूम में गाय तस्करी मामले में CBI ने बोलपुर में तृणमूल के एक करीबी पार्षद के घर छापा मारा। CBI अधिकारियों ने आज सुबह 2 घंटे तक बोलपुर तृणमूल पार्षद विश्वज्योति बैनर्जी के घर की तलाशी ली। आय व्यय दस्तावेज सत्यापन के लिए सलाहकार के कार्यालय में ले जाया गया। उसके बाद तृणमूल पार्षद को घर वापस लाया गया और फिर से पूछताछ शुरू हुई। देश विदेश से जुड़ी खबर की ओर एक नजर। KRK उर्फ कमाल आर खान को अस्पताल में भर्ती कराया गया। विवादास्पद ट्वीट के आरोप में उन्हें मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था। अन्य खबरों की विस्तृत जानकारी के लिए देखते रहिए खबर एक्सप्रेस। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।